नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही बीजेपी ने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नाम चर्चा में थे, इनमें रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत, अजय भट्ट और सतपाल महाराज तक का नाम शामिल था। लेकिन तीरथ सिंह रावत सीएम बनेंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। ये वही तीरथ सिंह रावत हैं जिन्हें उत्तराखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में सिटिंग एमएलए होने के बावजूद बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उनकी चौबट्टा खाल विधानसभा से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सतपाल महाराज को टिकट दे दिया गया। हालांकि बाद में तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और तीरथ सिंह रावत ने वहां बड़ी जीत भी दर्ज की। जिस तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने चुनाव में विधायक का टिकट नहीं दिया था, उन्हें बीजेपी ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। खुद तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कहा, छोटे से गांव से आया हूं, कभी मुख्यमंत्री बनने का सोचा नहीं था। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली वो मैंने निभाई और सभी के सहयोग से जिम्मेदारी आगे भी निभाऊंगा। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सीएम बनूंगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो संघ के लिए काम करते थे और कभी भी बीजेपी में आने का विचार नहीं किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लेकर वो अपने मिशन में आगे बढ़े। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। यदि माननीय राज्यपाल महोदया